हेलो, वेलकम टू भावनाएं। आज हम फेबर की ऑटो क्लीन चिमनी के इंस्टॉलेशन, उसके रेट, इसकी वर्किंग के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी। ये फेबर की 60 सेंटीमीटर की 1500 सक्शन पावर की टच पैनल के साथ विद सेंसर ये चिमनी आ रही है आजकल। और इसमें आपको, अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप इसमें टच करे बगैर भी इसको सेंसर के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस चिमनी की इंस्टॉलेशन के लिए मैंने फेबर से ही बुलाया है, जो टेक्निकल बंदा है। इसका चिमनी का पूरा इंस्टॉलेशन रेट का, रेट में क्या डिस्काउंट मिला, क्या सेविंग हुई, फुल वर्किंग फुल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ओमकार, क्या क्या सामान आया है बॉक्स में चिमनी के साथ, प्लीज बताइए। एक ऑयल कलेक्टर, चिमनी पाइप, क्लैंप, इन्होंने ये टांगने के लिए ये बहुत अच्छा सा ये स्टैंड लगाया है, बहुत बड़े पेंच से अच्छे से इन्होंने काम किया है। ये चिमनी लगा के मार्किंग कर दी गई है। ये इसकी मोटर है जिसके ऊपर ये व्हाइट कलर की है हीटिंग प्लेट सी शीट सी चढ़ी हुई है, जो कि इस मोटर को गर्म करती है। और जो इसके ऊपर ऑयल होता है सारा, वो मेल्ट होके नीचे जो ऑयल कलेक्टर जो बॉक्स मिला है उसमें ये सारा ऑयल मेल्ट होके आ जाता है। और यही इसका ऑटो क्लीन का सिस्टम है पूरा। अच्छा, इसमें एक फिल्म चढ़ी हुई है, अभी डाल रिमूव करें, रिमूव करना जरूरी है जी। अच्छा ठीक है, ये तो बाद में हीटिंग से मेल्ट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे छूटेगी इसमें। ओके ओके, हाँ हाँ, इसमें ऑयल टपकेगा, तो इस फिल्म को जरूर रिमूव कर दें, अदरवाइज चिपक जाती है इसमें, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेज निकाल के उसका जितनी प्लास्टिक है सब निकाली जा रही है, जिससे कि बाद में ना कुछ चिपक जाए इसमें। देखिए, पूरी फिल्म रिमूव हो गई है सारे पेज से भी। इन्होंने पेज खोल खोल के एक एक सारा उसके बीच में जो फिल्म जमी थी वो ही उन्होंने निकाल दी है। जी, ये भी निकाल देंगे। इसमें गम जो होता है फिल्म का वो रुक जाता है। ओके ओके, तो इसको निकाल देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं पहले हमने छोड़ दिया था इसको कि इसमें लगी रहेगी तो सफाई में आसानी है, गंदी नहीं होगी। इसको हटाने से फिल्म का जो गम है फिल्टर पे नहीं आता, फिल्टर अगर फिल्म हटा देंगे तो फिल्टर बिल्कुल क्लीन रहेगा। ओके, नहीं तो गम रहेगा फिर वो चिपकता रहेगा। ओके ओके। ओमकार, ये आप लोग 500 रुपए लेते हैं इसके, ये तो बाहर वाले और कम पैसे में कर देंगे। मैम, जो काम कंपनी वाले करते हैं वो पूरा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से होती है। कई बार सुना होगा आपने चिमनी गिर गई, उनकी बातें हैं, बाहर से उनका नाम नहीं है, कुछ नहीं है, वो आए और लगा के चले गए 200 रुपए में, 300 रुपए में। हाँ हाँ। लेकिन जो कंपनी वाले लगाते हैं वो प्रॉपरली तरीके से लगाते हैं। ओके। इसका स्टैंडर्ड साइज होता है एक तरीके से, जैसे फुटो पे लगाना है, होप पे लगाना, उसी तरह स्टैंडर्ड साइज से लगाई जाती है। अगर आप जैसे कि कोई बाहर से लगा गया उसको तो आप नहीं पकड़ सकते गिरने के बाद, लेकिन कंपनी एक ही जगह रहेगी। आप जब मर्जी कॉल करके बुला सकते कंपनी से। और कंपनी इस बात पे, कंपनी इस बात की अपने जो टेक्नीशियन को फुल ट्रेनिंग देने के बाद ही फिर मैं कस्टमर यहाँ पे भेजती है। ओके, अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको भी पता है कि हमें पकड़ लिया जाएगा, इसलिए हमको अच्छे से अच्छा काम करके देना है। अगर हम काम गलत करेंगे तो किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, ये फेबर की ऑटो क्लीन चिमनी है और जिसका सक्शन 1500 है। और इसका ये ऑयल फिल्टर टैंक है जिसमें कि ऑयल ये सारा मोटर में जो जमता है वो सारा इसमें आ जाता है।
और इसकी सर्विस हमें ओमकार कितने कितने दिनों में करानी चाहिए? मैम नॉर्मली सर्विस 3 महीने में करानी चाहिए, मेजर 1 साल में एक बार। ओके, वरना ये अपना फिल्टर निकाल के साफ कर दें। हाँ आप साफ कर सकते हैं, तो बस एक मेजर सर्विस के लिए बुला लीजिए। ओके, नॉर्मल आप अपना भी कर सकते हैं। ठीक ठीक, गर्म पानी में इसको डीप करना है, थोड़ा सा सरफ या लिक्विड वाला सोप डाल लीजिए, उसको 10 मिनट के लिए डाल लीजिए उसके अंदर, और क्लीन करके सुखा करके लगा दीजिए। ओके, मैम पावर पॉइंट, पावर पॉइंट ये है, ये ऊपर पाइप इन्होंने सील कर दिया अच्छे से। ओके, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, चला के चेक कर रहे हैं कि हवा वगैरह बाहर कहीं से निकल ना रही हो, लीक ना कर रही हो। और ये कुछ टच बटन भी है और ये सेंसर से भी है। इसको बंद कैसे करेंगे? वन टाइम करेंगे, 3 मिनट का टाइमर लग जाएगा। अच्छा, 3 मिनट के बाद से नहीं बंद होगी। फिर से बताइए क्या वन टाइम करेंगे, ये बात मुझे पता नहीं है। राइट हैंड से जब ऑफिस तरफ जाएंगे हम तो वन टाइम करते हैं तो 1-3 मिनट का टाइमर लग जाता है। ओके, और सेकंड टाइम करेंगे तो इंस्टेंटली जो भी बंद हो जाएगी। ओके ओके, 3 मिनट का टाइमर इसलिए दिया गया है कि जिससे कि जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद हम तो तुरंत बाहर भी जाते हैं, लेकिन किचन के अंदर कुछ खाने की स्मेल रह जाती है, तो उसके लिए एक बार टाइमर लगा के हम चले जाते हैं, 3 मिनट बाद चिमनी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, 3 मिनट बाद जाके बंद हो जाएगी। ओके, तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा किचन के अंदर चिमनी बंद करने के लिए। कई कंपनियां इसी टाइमर के एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं, मुझे ये बात नहीं पता थी फिलहाल, लेकिन ये तो इसमें ऑटोमेटिक के लिए है तो बहुत अच्छी है इसकी सिस्टम ये वाला, यानी कि इसका सिम सही काम कर रहा है। चलाना कैसे, स्टार्ट कैसे करनी है, आप एक बार बता दीजिए। पहले स्विच ऑन करना है, हाँ। इसको चाहे तो ऑन भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओके। उसके बाद यहाँ से ऑन कर लीजिए इसको, ये सेंसर लगा हुआ इसमें, ये ऑन का है, इधर से ऑफ है, अगर इधर से लेके जाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, इधर से ऑन होगा। ओके, पहले ऑन करते हैं। ओके, ये सेंसर से ऑन हो गई, प्लस स्पीड बंद ऑन हो गई। ओके, जब हम सेंसर से ऑन करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली अपना ऑन हो जाएगी, और लाइट ऑफ करने के लिए तो फिर अगर मैनुअली भी यूज करना पड़ेगा, बंद कर दीजिए। ओके, अगर सेंसर से ऑन करते हैं तो लाइट ऑटोमेटिकली अपना ऑन हो जाएगी। स्पीड वन स्टीम के लिए, स्टीम में क्वालिटी काम कर रहे हैं तो स्पीड वन यूज कर सकती है। स्पीड टू मसाला वगैरह भूनने के लिए, ओके, जैसे कब काम हो रहा है। डीप फ्राई के लिए, परौठे के लिए, नॉन वेज के लिए, या कोई जैसे मिर्च वाला हरी मिर्च वगैरह भून के स्विच 3 हो गई। अगर हम स्विच 3 के बाद अगर दोबारा से ऑनलाइन ऑप्शन से आएगी तो स्विच 1 पे चला जाएगा। अच्छा, वेरी नाइस। फिर 2, फिर 3। अच्छा, ओके। अब स्विच 3 हो गई, 3 के बाद हम हमने खाना बना लिया, उसके बाद हम बाहर चले जाते हैं। राइट हैंड से जाकर निकल जाएंगे ऑफ की तरफ, तो ये 3 मिनट का पहली बार में टाइमर लग जाएगा, तो 3 मिनट के बाद चीज़ें बंद हो गई। सेकेंड टाइम करेंगे तो ये चीज़ तुरंत बंद हो जाएगी। ओके, ये बंद हो गया। अगर हम चाहे मैनुअल चलाना चाहें तो पहले ऑन का बटन दबाना होगा हमें, फिर स्पीड 1, 2, 3 राइट, ओके, यही चीज़ है जो बंद कर सकते। ओके, ये तो हो गया ऑन ऑफ का। अब है इसमें ऑटो क्लिक ऑप्शन, ऑटो क्लिक में ये सर्कल बना हुआ, ऑटो क्लिक का इसको दबा के रखेंगे आप, ये ऑटो क्लिक का सर्कल है, इस ऑटो क्लिक सर्कल को दबा के रखेंगे, इसमें 9 मिनट का टाइमर लिखा हुआ जाएगा, ये 9 मिनट का टाइमर लिखा हुआ गया। ओके, अभी 9 मिनट के लिए ऑटो क्लिक मोड में है, अभी अंदर मोटर के ऊपर, अभी मोटर के ऊपर जो हीटिंग फिल्म लगी है वो हीट होगी, जितना अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल के इस ऑयल कलेक्टर के अंदर आ जाएगा। ये ऑयल कलेक्टर निकालना कैसे? ऑयल कलेक्टर को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इसमें कितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा, इन 3 होल्स के अंदर से इस अंदर ऑयल आ जाएगा, इसको वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद सुखा के लगा लीजिए। इसको लगाने के लिए राइट हैंड से लगा दीजिए और लेफ्ट हैंड में प्रेस कर दीजिए, फिर चला जाएगा। ओके, फिल्टर क्लीन करने के लिए मैंने ऑयल कलेक्टर ऑटो क्लीन मोड पे लगा दीजिए, ऑटो क्लीन मोड खत्म होने के बाद इस ऑयल कलेक्टर को निकाल लीजिए, ठीक, फिर फिल्टर को यहाँ पे हाथ लगाइए और लेफ्ट की तरफ इस फिल्टर घुमाइए तो फिल्टर नीचे आ जाएगा। ओके, दोनों फिल्टर से नीचे आएंगे,
हाथ लगाने से ये होता है कि फिल्टर नीचे नहीं गिरेगा, जो हमारा कुकटॉप है या होब है जो भी यूज करके नीचे उस पर गिरेगा नहीं, मतलब ग्लास ब्रेक होगा ना ही फिल्टर डिमेज टूटेगा। जी इसको गर्म पानी से धो दें, गर्म पानी कर लीजिए और किसी टब में या सिंक में पानी ड्रॉप करके यस यस तो उसमें इसको रख दीजिए, पर इसको सिर्फ लिक्विड वाला खोल लीजिए और खोलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दीजिए, 5-7 मिनट पानी रख दीजिए, ब्रश या किसी चीज से साफ कर दीजिए, साफ पानी से धो के सुखा के और इसको फिर लगा दीजिए। पहले फिल्टर लगेंगे उसके बाद ऑयल कलेक्टर लगेगा, पहले ऑयल कलेक्टर निकलेगा फिर फिल्टर निकलेगा, फिर फिल्टर निकलेगा। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओमकार, आपने बहुत अच्छे से लगाया भी है और बहुत अच्छे से सिखाया भी है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अब आगे अच्छे से काम करता रहे मुझे उम्मीद है हम लोग इससे बहुत खुश रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। ये वारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके अपने वारंटी कार्ड वगैरह जो बंदा आए फेबर की कंपनी से आप उनसे कंप्लीट करा लें, जो कि फेबर वाले ही जब अपने सर्विसमैन भेजते हैं तो वो वारंटी वगैरह सब वहीं से चालू हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है प्रोडक्ट का। ये चिमनी MRP इसका है 28,590, 28,519 और ये हमको पड़ी है अमेजोन पे, आप देखिए ये है 13,919 की। ये कुकटॉप और ये चिमनी दोनों का कॉम्बो पड़ा 19,400 का। हमें उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की और नई चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, थैंक यू वेरी मच।